नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 7 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सिरमौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पांवटा साहिब में स्थापित PSA ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर बुधवार को उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने पांवटा साहिब पहुंचकर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान CMO डॉक्टर संजीव सहगल भी मौजूद रहे। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअल माध्यम से पांवटा साहिब सहित देश के अन्य प्रदेशों में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के बाद पांवटा क्षेत्र में आगामी कई वर्षों तक अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के बाद सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों में सीधे पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और अस्पताल प्रशासन को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल कांग्रेस आरकी के बाद अब फतेहपुर में भी बगावत। नेसवार सिंह आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में टिकट आवंटन के बाद पहले आरकी और अब फतेहपुर कांग्रेस में भी बगावत हो गई है। भवानी पठानिया को चुनावी रण क्षेत्र में उतारने की घोषणा के बाद कई कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। फतेहपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के अन्य चाहवान नेताओं ने एक होकर परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे कई नेता पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी पठानिया को भी टिकट दिलाने से नाराज चल रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में दावेदारी जता रहे नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद को अहमियत दी जा रही है। वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की अनदेखी से पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बीते मंगलवार को फतेहपुर से भवानी पठानी को प्रत्याशी बनाने के बाद फतेहपुर से टिकट की उम्मीद लगाने वालों ने पार्टी के खिलाफ जाने की घोषणा कर दी है। ठाकुर निस्वार सिंह, चेतन चंबियाल, राघव पठानिया ने प्रेस वार्ता कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस कमेटी के पूर्व डेलीगेट ठाकुर निस्वार सिंह को आजाद प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में परिवारवाद से हटकर अन्य कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। कोरोना, हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 163 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से कांगड़ा में 24 वर्षीय युवक और हमीरपुर में 76 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 163 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,477 पहुंच गया है। अब तक 3,674 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बुधवार को 7,922 लोगों की सैंपलिंग की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हिमाचल में संक्रमण ना फैले इसके चलते ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में अब तक 35,01,015 कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें ज्यादा से ज्यादा परीक्षण RT-PCR और रैपिड एंटीजन के माध्यम से हो रहे हैं। प्रदेश में 1400 पॉजिटिव मामलों में से अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर केवल 5.4% है। हिमाचल में 16 नवंबर से होगी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की टर्म 1 की परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की टर्म 1 की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 नवंबर से सुबह के सत्र में 9:45 से 12 बजे तक होगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 नवंबर से सुबह के सत्र में 9:45 से 12 बजे तक संचालित की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा का समय प्रातः 9:45 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। हिमाचल में पहली बार घरेलू LPG सिलेंडर 1,000 रुपए से पार। नवरात्र से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लग गया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए से पार हो गए हैं। बुधवार को गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ घरेलू LPG सिलेंडर लेने के लिए 1,001.75 रुपए चुकाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 17 रुपए की सब्सिडी बैंक खातों में लौटाई जाएगी। व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 2 रुपए घटे हैं। अब 1906 रुपए में व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल का प्रति लीटर दाम भी 100 रुपए से पार हो गया है। शिमला में पेट्रोल 100 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।
नवरात्र से पहले हुई गैस सिलेंडर व पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हिमाचल में उपचुनाव, युवा कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, सरकाघाट से यदुपति संभालेंगे कमान। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सहित फतेहपुर, आरकी और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के लिए हिमाचल युवा कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रवार प्रदेश पदाधिकारी पर्यवेक्षक लगाए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अमनप्रीत लाली और सह प्रभारी दामन भाजपा की स्वीकृति से प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की है। मंडी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट के लिए यदुपति ठाकुर, चंबा के बरमोर क्षेत्र के लिए सुरजीत बरमोरी, सुंदरनगर सुकरात भाटी बाल के लिए अरुण महाजन, आनी गोविंद शर्मा, रामपुर आवा नेगी, नाचन अब्दुल खालिक, मंडी सदर राहुल चौहान, जोगिंदरनगर अनिल कुमार, लाहौल स्पीति अजीत कुमार, करसोग अनु कुमारी मराठा, मनाली डॉक्टर चंदन राणा, कुल्लू शोभित गौतम, सिराज एच ठाकुर, बंजार औलव चौहान, दरंग बरिंदर चालटा और किन्नौर के लिए चंद्र प्रभा करने की पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। हिमाचल से इसी सप्ताह विदा होगा मानसून, 10 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश से इसी सप्ताह मानसून विदा होगा। उत्तर भारत के कई राज्यों से दक्षिण पश्चिमी मानसून के विदा होने की संभावना बन गई है। 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मानसून सीजन के दौरान इस वर्ष सामान्य से 10% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। 17 सितंबर तक मानसून के विदा होने की संभावना, लेकिन मानसून सीजन इस वर्ष प्रदेश में अधिक दिनों तक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 3 से 4 दिनों में मानसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग पर्वतारोहण पर प्रतिबंध, उपायुक्त नीरज कुमार ने जारी किया आदेश। लाहौल स्पीति जिला की भौगोलिक परिस्थितियों और सर्दी के मौसम के दृष्टिगत ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन अक्सर इस मौसम में भी जिले का रुख करते हैं, क्योंकि इस मौसम के दौरान कभी भी मौसम प्रतिकूल हो सकता है और ट्रैकर या पर्वतारोही की जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में खोज और बचाव अभियान को अंजाम देने में कई तरह की दुश्वारियां भी रहती है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत ये आदेश जारी किया है। मंडी उपचुनाव, 2 दिन बाद चुनाव प्रचार में उतरेगी प्रतिभा सिंह। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह 8 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने के बाद चुनाव प्रचार में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भले ही उनके और कांग्रेस परिवार के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। उनके प्रदेश में किए विकास कार्य हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कमी खलेगी। उनके रहते राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कोई चिंता नहीं रहती थी, वे सभी मोर्चों को खुद संभालते थे। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम भी उनका और कांग्रेस का साथ देंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उपचुनाव में करुणामूलक नौकरियां, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे और सेब पर संकट को मुद्दा बनाया जाएगा। बुधवार को होलीलोज शिमला में प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी ही नहीं पूरे प्रदेश की अपेक्षा की है। सड़कों, स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व वीरभद्र सरकार ने सत्ता में रहते प्रदेश का चौमुखी विकास किया और प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा है। पंचायत सचिव भर्ती, 22 अक्टूबर को होगी परीक्षा, 15 से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 22 अक्टूबर को पंचायत सचिव की भर्ती की परीक्षा करवाएगा। कोरोना के कारण परीक्षा करवाने में देरी हुई है, अब इस तरह ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। इसके लिए प्रदेश भर में 93 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 239 पंचायत सचिव के पदों के लिए 26,299 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर से जारी होगी। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने में प्रयोग किए गए आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने विस्तालय को पंचायत सचिवों के 239 पदों के लिए छठनी परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेवारी दी थी। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के निशाने पर विक्रमादित्य सिंह, बोले लाश की राजनीति परिवार का संस्कार है राजनीतिक गिर्द।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट वोट नहीं श्रद्धांजलि चाहिए के साथ एक पोस्टर जारी कर लिखा है कि लाश की राजनीति परिवार का संस्कार है, राजनीतिक गिर्द। वही पूछ है कि तय आप करके बताओ कि किसके संस्कारों में कमी है। हंसराज ने लिखा है कि वे एक गरीब नाल फेटर के बेटे और गरीब आदमी एक वक्त की रोटी कम खाता है लेकिन अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा जरूर देता है। इन्होंने मेरे संस्कार पर सवाल उठाया था। हरकी में कांग्रेस के बाद भाजपा में भी बगावत, पूर्व विधायक गोविंद राम ने किया ऐलान। हरकी में कांग्रेस के बाद भाजपा में भी बगावत हो गई है। अभी तक टिकट को लेकर बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रतन सिंह पाल को टिकट देने पर भी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार को आरकी में अपने समर्थकों के साथ बैठकर भी अगली रणनीति बनाएंगे। यदि समर्थकों का निर्णय चुनाव लड़ने के लिए हुआ तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि इस पर निर्णय वीरवार को ही लिया जाएगा। इस तरह से आरकी भाजपा में भी घमासान शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे 305 पर हादसा, कार के खाई में गिरने से चालक की मौत, चार युवतियां घायल। हानी उपमंडल में एनएच 305 पर खनाह के पास टैंगोनाल के समीप एक चालक का अल्टो कार से नियंत्रण खो जाने के कारण कार सड़क से 200 फीट नीचे भारी से लुढ़कर दुर्घटनाग्रस्त होगी जिसमें कार चालक की मौत होगी जबकि चार युवतियां घायल हो गई है। पुलिस उपाधीक्षक आनी रविंद्र नेगी ने बताया कि बुधवार को आनी में नेशनल हाईवे 305 सड़क मार्ग पर खनाम से थोड़ा पहले टैंगोनाल के पास एक अल्टो कार अस्थायी नंबर चालक का संतुलन खो जाने के कारण सड़क से बाहर हुई और लगभग 200 फीट नीचे खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक सहित सवार चार अन्य युवतियों को गंभीर चोटें आई। सर्दी नवरात्रों के लिए सजे हिमाचल की शक्तिपीठ। सर्दी नवरात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ सज गई है। माँ ज्वाला जी, माँ ब्रजेश्वरी और माँ चामुंडा मंदिर सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक दर्शनों के लिए खुले रहेंगे। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में नवरात्र पर माँ की आरतियां बदली व्यवस्था के तहत होगी। चार पहर की आरती सर्दी नवरात्रों में रात को 12 से 2 बजे के बीच होगी। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक मध्यकालीन आरती और राशि भोग के लिए मां का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इस दौरान पुजारी मंदिर में रहेंगे। मध्यकालीन आरती के बाद फिर से रात 12 बजे तक मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।